चुनावी साल है और नेताओं की जुबानी जंग जारी है। कभी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सीएम शिवराज पर तंज कसते हैं तो कभी मुख्यमंत्री शिवराज कमलनाथ को आड़े हाथों लेने से नहीं चूकते। इस बार मुख्यमंत्री शिवराज ने कमलनाथ को कुंठित कह दिया और कहा कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, दोबारा नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बदले वाले बयान पर कहा कि यह कमलनाथ की कुंठा बोल रही है। कभी वो खुद को भावी मुख्यमंत्री बताते हैं, कभी भविष्य वक्ता हो जाते हैं, पंचांग पढ़ने लगते हैं। एक कुंठित व्यक्ति ही ऐसी भाषा बोल सकता है। देख लूंगा, निपटा दूंगा, पीस दूंगा, कल के बाद परसों आता है। कमलनाथ जी, आप बुजुर्ग नेता हैं, कम से कम संयम का परिचय दीजिए। अब गली में खड़ा कोई कार्यकर्ता ऐसी भाषा बोल दे तो ठीक लगता है। शिवराज ने कहा, कमलनाथ का वचन पत्र ढोंग पत्र है। आजकल वे रोज एक ट्वीट करते हैं, कर्जा माफ, सबको रोजगार। उनके वचन पत्र के वादे उन्होंने पूरे नहीं किए और फिर अब ढोंग कर रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं। और सपनों के लिए कौन कौन क्या क्या लिख सकता है, लिख दो, करना तो है नहीं। लेकिन काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं। सीएम शिवराज ने कहा, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और प्रदेश में हमारी सरकार प्रदेश के विकास और जन कल्याण के महायज्ञ में लगी हुई है। मुझे लगता है कि कभी वो खुद को भावी मुख्यमंत्री बताते हैं, कभी भविष्य वक्ता हो जाते हैं, पंचांग पढ़ने लगते हैं। एक कुंठित व्यक्ति ही ऐसी भाषा बोल सकता है, देख लूंगा, निपटा दूंगा, पीस दूंगा, कल के बाद परसों आता है। कमलनाथ जी, आप बुजुर्ग नेता हैं, कम से कम संयम का परिचय कर दीजिए। अब गली में खड़ा कोई कार्यकर्ता ऐसी भाषा बोल दे तो ठीक लगता है, नहीं तो मैं देख लूंगा, मैं निपटा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। ये कोई सीजन नेता बोलता है? उनका वचन पत्र ढोंग पत्र है। आजकल वो रोज एक ट्वीट कर देते हैं, कर्जा माफ, सबको रोजगार। उनके वचन पत्र के वादे उनने पूरे नहीं किए और फिर अब ढोंग कर रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं। आज बैठक भी बुलाई। और सपनों के लिए कौन कौन क्या क्या लिख सकता है, लिख दो, करना तो है नहीं। लेकिन काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।